की कथा, लोगों के लिए यह कहानी है। लोग इस बात को कभी नहीं सीख रहे संसार के लोग कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा। तुम्हें अंडरस्टैंड करना है, तुम्हें समझना। अगर समझ नहीं आया तो फिर तेल पानी ढूंढते रहोगे। यीशु को ढूंढो, सच्चाई को ढूंढो, सच्चाई में जियो, सत्य में अपना फेथ लाओ पूरा, सारे के सारे आजाद हो जाओगे, टोटल फ्री, सारी बीमारी से, शतान से, प्रॉब्लम से। यह है सच्चाई की पावर। अगर तुम यीशु मसीह में आने के बाद भी रीतियों में लगे हो, सोचते हो इस मटेरियल से उस मटेरियल से मेरा भला हो जाएगा, तो तुम सत्य की पावर में वो फेथ नहीं रख रहे, वो फेथ नहीं रख रहे जिससे तुम्हारा छुटकारा होना है। आमेन। फिर से पढ़ दो ये वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो परमेश्वर की पावर है वो काम, सत्य का काम जो परमेश्वर ने खुद पूरे जगत के लिए किया। यीशु की कुर्बानी पूरे जगत के लिए हुई। आप लोग ये सोचो, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने क्यों बनाया? संसार में ज्ञान है, जो कुछ कर्मों में लिखा, किस्मत में लिखा, वो होना है। ये मनुष्यों का ज्ञान है, इंसानों का ज्ञान है। जिसने दुनिया रची उसने इस पर्पस से इंसानों को नहीं बनाया कि दुख दूं, प्रॉब्लम दूं, हालात दूं, रोग दूं, बीमारियां दूं, परेशानियां दूं। लोग बोलते हैं हाँ होता है, परमेश्वर ही करता है सब कुछ, वो नहीं करता। ये पाप की जिंदगी है, ये शरीर की जिंदगी है, ये उससे दूर की जिंदगी है, उसके कानून से बाहर की जिंदगी है। और बहुत सारी दुष्ट शैतान की इच्छा पूरी होने की वजह से मनुष्य पृथ्वी पर मर रहा है, तकलीफ में, दुख में, प्रॉब्लम में। लेकिन जब तुम सत्य में चलना शुरू करोगे, जब तुम्हें सत्य की पावर समझ आएगी, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसीलिए ऐसा लिखा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जिन्होंने नाश होना है उनके लिए ये सच्चाई, ये परमेश्वर का बड़ा काम एक कहानी की तरह है। लेकिन हमारे लिए जिन्होंने उद्धार पाना है, छुटकारा पाना है, जीवन पाना है, अनंत जीवन पाना है, उनके लिए यीशु का क्रूस पर चढ़ना, हमारे लिए मरना और तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा होना एक सामर्थ्य है।